सोलन में चिट्टे की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो ये हाल हो गया है कि मानो जैसे हर मोड़ पर और चौराहे पर चिट्टा बिक रहा हो। यही कारण है कि पुलिस आए दिन चिट्टे के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। सोलन में पुलिस ने दो चिट्टे के तस्कर युवाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए युवा शिमला और अर्की के बताए जा रहे हैं। हिमाचल में सबसे सक्रिय सोलन की पुलिस मानी जाने लगी है, जो कि चिट्टे तस्करों को जड़ से उखाड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। सोलन में चिट्टे की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो ये हाल हो गया मानो जैसे हर मोड़ और चौराहे पर चिट्टा बिक रहा है। यही कारण है कि पुलिस आए दिन चिट्टे के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। पुलिस ने दो चिट्टे के तस्कर युवाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए युवा शिमला और अर्की के बताए जा रहे हैं। हिमाचल में सबसे सक्रिय पुलिस सोलन की पुलिस मानी जाने लगी है, जो चिट्टे तस्करों को जड़ से उखाड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। यही कारण है कि अब तक दर्जन भर विदेशी मूल के तस्कर भी सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। यही कारण है कि सोलन पुलिस को हिमाचल रक्षक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर दो युवाओं को पुलिस ने चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में चिट्टे की खेप बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि इनमें से एक युवक तो ऐसा है जो पहले भी नशा तस्करी में जेल की हवा खा चुका है। अब पुलिस पकड़े गए दोनों युवाओं से कड़ी पूछताछ कर रही है कि आखिर वे किससे ये चिट्टा लेकर आए थे और इसे कहां बेचा जाना था। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।